नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट कैप क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो इन सारे टर्म्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस टर्म्स के बारे में हम लगातार वीडियो में आपको बताएंगे। इन टर्म्स को जान लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यह देखिए, मार्केट कैप जो होता है हमारा, वो कंपनी का वैल्यूएशन होता है कि कंपनी का जो करेंट वैल्यूएशन है वो क्या है। तो किसी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसको पता करते हैं हम मार्केट कैप से। कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। अगर आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कम रिस्की है, स्मॉल कैप में करते हैं तो वो ज़्यादा रिस्की है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम मार्केट कैप के यूज करते हैं। तो मार्केट कैप जिसका फुल फॉर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको शॉर्ट में हम मार्केट कैप बोलते हैं। तो इससे हम कंपनी के वैल्यूएशन को पता करते हैं। और ये वैल्यूएशन मार्केट कैप कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो जितना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी का, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को करेंट जो मार्केट प्राइस है स्टॉक का उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे रिलायंस का अभी स्टॉक 1900 है तो 1900 को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता चलेगा, तो जब कंपनी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इश्यू करती है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की वेबसाइट से या bsindia.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से देख सकते हैं किसी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है और उसको करेंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा उस कंपनी का। तो कंपनी जो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करते हैं उसमें आपको प्रमोटर्स के, पब्लिक के पास कितना, FIDH किसके पास कितना है, सारा मिल जाएगा। तो उस टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को आपको करेंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हो जाएगा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अब बात आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज जो होता है इन्वेस्टर के द्वारा किया जाता है कि कोई भी कंपनी कितना रिस्की है। और कंपनी जो है अगर लार्ज कैप है तो अगर आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट बोला जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको उतना वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा जितना कि एक फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है स्मॉल कैप है वो देगी। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चुनना सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप स्मॉल कैप में जा रहे हैं। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको लार्ज कैप कंपनियां भी अच्छा रिटर्न नहीं देगी और लॉन्ग टर्म में आपको एक हैवी लॉस हो सकता है। तो इसलिए फंडामेंटल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम कैटेगराइज करते हैं कि इन्वेस्टर कितना एग्रेसिव इन्वेस्टर है या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। एग्रेसिव तो वो स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि वो स्मॉल कैप कंपनी अगर फिर से लार्ज कैप बनती है तो आपको वहाँ एक बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होगा। देखिए, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर इंडिया की टॉप कंपनी की बात करें तो सबसे पहला है रिलायंस। रिलायंस का जैसा करेंट प्राइस अभी देख लीजिए 1936 रुपीज है और इसका मार्केट कैप जो है अभी है देखिए 12,48,000 करोड़ का, 12,48,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस का। दूसरे नंबर पे है TCS जिसका है 11,28,000 करोड़। तो इतना है TCS का मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर तीसरे नंबर पे HDFC बैंक, उसके बाद है इन्फोसिस, उसके बाद HUL, उसके बाद HDFC, उसके बाद है ICICI बैंक, उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद SBI, उसके बाद बजाज फाइनेंस। ये टॉप 10 कंपनी है इंडिया के मार्केट कैप के आधार पर। तो ये लगातार चेंज होता है क्योंकि क्रेडिट प्राइस जैसे जैसे चेंज होगा तो ये जो नंबर है, ये जो पोजीशन है, ये आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे किसी कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे गिर गया, दूसरे कंपनी का स्टॉक का प्राइस ऊपर आ गया, तो उससे जो है कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता है और घटता है, तो उससे ये लगातार जो है आपको चेंज होता हुआ मिलेगा। पिछले एक साल दो साल तक भारतीय एयरटेल जो है ये आपको 5वें नंबर पर दिखता था, अभी ये टॉप 10 से बाहर हो चुका है। उसी तरह से कई सारी कंपनियाँ हैं जैसे ITC भी, एशियन पेंट भी, ये सब कंपनियाँ टॉप 10 से बाहर हो चुकी है। ITC देख सकते हैं। तो जैसे एक कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है और इस टॉप 10 में से किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस यहाँ से गिरता है तो फिर नए नए मतलब स्टॉक्स का टॉप 10 में एंट्री होती रहता है। तो ये थे मतलब टॉप जो 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनी है हमारे इंडिया के। देखिए, वहीं बात करें अगर हम पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी का जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर है, तो ये है $US बिलियन में। सऊदी अरब को सबसे पहले नंबर पे है, ये है $1,684 बिलियन के साथ पहले नंबर पे कंपनी, मतलब मार्केट कैप इसका जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। वहीं दूसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट जिसका है $1,359 बिलियन, इतना बिलियन डॉलर है। तो दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट। ये सारे चेंज होते रहते, जैसे जैसे मतलब शेयर का प्राइस चेंज होता है वैसे वैसे, कभी कभी आपको एप्पल पहले नंबर पे दिखेगा, कभी अमेजोन दिखेगा।
तो यहाँ पर देखिए एप्पल तीसरे नंबर पे है, अमेजोन चौथे पे है और अल्फाबेट ये पांचवें पे है, फेसबुक छठे नंबर पे है, अलीबाबा सातवें नंबर पर, उसी तरह से टेंसेंट होल्डिंग्स ये हमारा आठवें नंबर पे है, वहीं बर्कशायर हाथवे जो कि हमारे वॉरेन बफेट जी स्टॉक मार्केट के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट जी उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, ये नाइन्थ नंबर पे है और जॉनसन एंड जॉनसन ये दसवें नंबर पे है। तो ये टॉप 10 कंपनी है जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियां। वहीं गूगल जो है जो टेक कंपनियां है उसमें पहले नंबर पे आती है गूगल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंपनी का वैल्यूएशन को डिटरमाइन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, कौन सा कंपनी का वैल्यूएशन सबसे अधिक है। तो कोई भी कंपनी हो या वो पब्लिकली लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, उस कंपनी के जो शेयर का प्राइस है और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसको हम ग्रे मार्केट में उसके शेयर प्राइस जो होता है उससे कैलकुलेट करते हैं और जो पब्लिकली लिमिटेड कंपनियां हैं उसको हम अपने जो NSE BSE पर वो ट्रेड हो रहा है उसके शेयर प्राइस से उसके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। तो जो पब्लिकली लिमिटेड कंपनी उसका भी निकाल सकते हैं और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसके भी वैल्यूएशन को मतलब मार्केट कैप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।